देखिए ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें वीवीपैट का इस्तेमाल हो रहा है। पहले जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें आपकी बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट दोनों इस्तेमाल होते थे, इस बार इसमें ये लगाया गया है। ये बिल्कुल वीवीपैट जो लगाया गया है चुनाव की निष्पक्षता को देखते हुए लगाया गया है। इसका रोल क्या होगा मैं जरा इनके बता देता हूँ। इसके बारे में देखिए आप जान रहे हैं, जो भी ये जो हमारी CU है, CU की जो कैपेसिटी है वो 2000 के आसपास में है, 2000 वोल्ट इसमें डाल सकते हैं। CU से हम कनेक्ट करेंगे, देखिए इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है ये इसका जो सेक्शन है ये डिस्प्ले सेक्शन है, और डिस्प्ले सेक्शन पर दो लैंप लगे हुए, एक ग्रीन लैंप है एक आपका रेड लैंप है। इसका दूसरा जो पार्ट है ये आपका बैटरी एंड कैंडिडेट सेट सेक्शन है, और तीसरा जो सेक्शन है ये वाला, ये आपका रिजल्ट सेक्शन है और ये आपका बैलेट सेक्शन है। इससे ही हम सारे कमांड देंगे। कैसे कमांड हम उसको देंगे, ये सारी चीज़ आरओ द्वारा कर दी जाएंगी। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसके पीछे एक स्विच लगा हुआ है, ये मशीन को ऑन ऑफ करने का स्विच है। जो हमारा मेन स्विच होगा, जो वीवीपैट से जो लीड निकलेगी हमारी, इसको हम लगाएंगे CU में। और इसका एक पूरा थंब है कि इसमें एरो बना हुआ है, टॉप वैसे लिखा हुआ भी है टॉप पे, और एक लाल कलर का बना हुआ है, दूसरा रेड भी बना हुआ है। इसके अंदर भी आप देखेंगे तो रेड है और लाल है, दूसरा एक ब्लैक है। दूसरी इसका ये है कि जब हम इसको उल्टा लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन, इसका एक पूरा थंब है कि वो लगेगा ही नहीं, तो लाल से लाल को और काले से काले से हम लगा देंगे। एक झटकी आवाज आएगी और ये आपका लग जाएगा। इससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ये हमारे पास में एक बैलेट यूनिट है, इसकी भी एक लीड होगी, ये लीड होगी और इसको लगा दी, इसको वीवीपैट से हम कनेक्ट कर दी, ये वीवीपैट से हमने कनेक्ट कर दिया है। ये आप देखेंगे कि ये जो दिखाया गया है 16 कैंडिडेट के लिए है। जैसे हमारे यहाँ पर यदि 16 से ज़्यादा कैंडिडेट लड़ते हैं तो ये वीवीपैट हमारी बदल जाएगी और लग जाएगी और ये हमारे सेम रहेंगे। क्या यहाँ जिला में अगर 16 कैंडिडेट से ज्यादा है तो अपने पास मशीनें हैं? हाँ जी, मशीनें ऐड होती चली जाए। ये जो मशीन है हमारी, ये 16 कैंडिडेट के लिए है, प्रशासन के पास सफिशेंट मशीन है। यदि 16 से ज़्यादा कैंडिडेट लगेंगे तो सिस्टम सेम रहेगा, सिर्फ ये बीवी, ये आपकी BU बदलेगी, और ये जो मशीन हमारी है 23 के मल्टीपल में ये लग जाएगी। तकरीबन इस जो मशीन की जो क्षमता है तकरीबन 384 के आसपास में है। यदि हमारे यहाँ पर 384 कैंडिडेट भी लड़ते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक मशीन हमारे पास में सफिशेंट होगी। क्या ऐसा भी है, जैसे पहले वो होता था वोट किसको दी किसको नहीं दी, ऐसा पता लगेगा तो उसको जो वोट डालने वाले वो हमने किसको वोट दिया? सर देखिए इसमें क्या होगा, जो वीवीपैट है ये वीवीपैट इसीलिए लगाया गया है कि जब मतदाता कोई वोट देगा तो उसके सामने वाला जैसे बटन दबाएगा उसका सीरियल नंबर कैंडिडेट का नाम और उसका सिंबल इस वीवीपैट के इस पर जो है आपका डिस्प्ले करेगा, जिससे मतदाता संतुष्ट हो जाएगा कि जिसको मैंने वोट दी है उसी को वोट पड़ी है, और वो यहाँ पर पर्ची रहेगी 7 सेकंड तक रहेगी और इसके बाद अपने आप ऑटोमेटिकली कट के इसके बॉक्स के अंदर जमा हो जाएगा। प्रशासन के निर्देश पर यदि कोई निर्देश होगा तो रोज दोबारा भी बदला जा सकता है और भी लगाया जा सकता है। अभी ये इसका प्रोसेस हो रहा है, जब तक ये प्रोसेस होगा तब तक ये कोई भी मशीन काम नहीं करेगी। जब इसका प्रोसेस बंद हो जाएगा तब जब हम इसे कमांड लेंगे तब ये काम होगा। जिनके पास ये मशीन रहेगी वो यहाँ से बैलेट दबाएंगे और जैसे ही बैलेट दबाएंगे मशीन उठा के दिखाओ ना, ये मशीन आपकी जो रेड हो जाएगी और रेड होने के साथ साथ में जो व्यू जो लगी हुई है इस व्यू पर भी ये रेडी लैंप है, ये भी आपका ग्रीन हो जाएगा। हमको भी पता चल जाएगी यहाँ से कि हमने कमांड दिया है और मतदाता को भी पता चल जाएगा मशीन रेडी। अगर ग्रीन नहीं होती है तो ग्रीन नहीं होगी तो मशीन रेडी नहीं है। अब आप डाल दिए कोई बोर्ड, अब आप इसमें से किसको भी बोर्ड डालेंगे निशान पर बोर्ड डालिए, उसका ये ध्यान रखना सिंबल और एक सेकंड देखिए आपने 4 नंबर दबाया है उसमें देखो T3 है ये और G सिंबल बना हुआ है, ये यहाँ आपको बना हुआ दिखाई दे आया कुछ आया वही आया जी। ये बीप की आवाज होगी
और जैसे भी पुलिस लाइन कहाँ पे? पुलिस लाइन जाना है 7 बजे। वो तो बेटे कौन पे यहाँ पे भी होगी ना सर, गंगा सर्कल में 4 बजे। नहीं यहाँ कह रहे थे।